हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट स्लैश लॉस। लास्ट जो वीडियो हमने पढ़ी थी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ी थी कि गुडविल का हमारे अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करा जाता है। तो उसके लिए हमने वीडियो में एक एंट्री पढ़ी थी, जिस एंट्री को हम करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट। आज की जो पूरे वीडियो है ये वीडियो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हमें क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अब हम सबको ही पता है 11th क्लास में पढ़ा ही था कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते क्या है। तो एक बार इसको रिवाइज करने के लिए दोबारा समझ लेते हैं कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या। रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके वो अमाउंट है जिसको हमने अभी तक पार्टनर्स को नहीं दिया है। तो ये एक तरीके से वो अमाउंट जब हमने पार्टनर्स को नहीं दिया तो एक्चुअल में ये अमाउंट है किसका, है पार्टनर्स का। तो ये मिलना भी किसको चाहिए, ये मिलना भी पार्टनर्स को चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये दोनों ही अमाउंट क्या है, नॉट गिविंग टू द पार्टनर्स, यानी एक तरीके से है इसका पार्टनर्स का है, पार्टनर्स का है, पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है तो ये जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो ये हमेशा पार्टनर्स को ही मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने पढ़ा कि रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये पार्टनर्स कैपिटल का हिस्सा है, तो ये किसको मिलना चाहिए, पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें। अब हम इसमें रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या क्या चीजें लेते हैं, तो हमने पढ़ा, हम पढ़ते हैं यहां पर चार तरीके के ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट गुडविल का, गुडविल कौन सी, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी वो पढ़ी थी वो गुडविल जो कि हमें वैल्यू करनी पड़ती है। देखिए इस वाली गुडविल में और उस वाली गुडविल में क्या डिफरेंस है, जो लास्ट गुडविल थी वो हमारी खुद कैलकुलेट कर देते हैं, हम उसकी वैल्यू खुद कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन ये वाली गुडविल आपको कहां दे रखी होती है, इन बैलेंस शीट। ये वाली गुडविल आपको कहां दे रखी होती है, बैलेंस शीट में। दूसरा ट्रीटमेंट पढ़ते हैं हम एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, क्योंकि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा वो ह्यूज अमाउंट होता है जो कि हमें हर एक साल थोड़ा थोड़ा रिटेन ऑफ करना होता है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। तीसरा ट्रीटमेंट पढ़ते हैं हम जनरल रिजर्व का, रिजर्व का। और लास्ट ट्रीटमेंट जो बचा वो बचा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का। तो इस वीडियो में हम इन चारों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन चारों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल का जो आपका बैलेंस होता है यह आपकी एसेट होती है, ये आपकी एसेट होती है, तो इसका बैलेंस क्या हुआ, डेबिट, क्योंकि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, जितनी भी एसेट्स होती है सबका बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर बात करें इसका रिटेन ऑफ करने की, अगर बात करें इसको रिटेन ऑफ करने की, तो रिटेन ऑफ करते समय इसमें डेबिट बैलेंस है हटाना पड़ेगा, रिटेन ऑफ का मतलब हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जबकि आपने पढ़ाई होगा अकाउंट में इलेवन क्लास में, जब भी किसी चीज को रिटेन ऑफ करना होता है तो उसका बैलेंस हम रिवर्स कर लें, तो डेबिट बैलेंस को रिवर्स करने के लिए हमें क्रेडिट करा, और डेबिट किसको करें, मैंने क्या बताया था, ये बैलेंस इसका है, पार्टनर्स का है, पुराने पार्टनर्स है उनका है, तो इसलिए डेबिट किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास दो पार्टनर्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज
तो हमने क्या करा, गुडविल को कर दिया क्रेडिट और डेबिट किसको कर दिया, एक्स और वाई को, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर है। और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने एफडी बनाई, गुडविल रिटेन ऑफ कर देगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेम सिचुएशन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए भी आती है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एसेट है और इसका भी बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब इसका डेबिट इसका भी डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, सेम एंट्री, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी बुक का, ठीक है, कोई बुक का क्वेश्चन नंबर 22, करवा रहा हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको पढ़ देता हूं, इसको मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन पढ़ा मैंने, ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 3:4। अब उन्होंने डिसाइड करा कि आगे से वो प्रॉफिट किस रेशियो में करेंगे, 3:4 में। जब 3:4 में प्रॉफिट आगे से करेंगे तो अभी तक से तो कोई मतलब नहीं है, तो अभी आपको किससे मतलब है, 3:2 से मतलब है। हमने पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, आगे क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल, कि क्रेडिट बैलेंस है आपका पीएनएल में कितना, 70
1000 रुपीज का, तो जब 70,000 का कौन सा बैलेंस है, इसके फोकस करिए, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को हटाना है हमें, तो जब क्रेडिट बैलेंस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। अब क्या करेंगे इसको हटाने के लिए, हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट करा पीएनएल को और डिस्ट्रीब्यूट किसके कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 70,000, और मैंने क्या बताया था इसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। देखा यहां पे ये आपका एग्जाम में नहीं करना, बट मैं आपकी सहूलियत के लिए इसमें करके दिखा सकता हूं। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, हमने क्या कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में, और जो अमाउंट आएगा वो लिख दिया जाएगा। अमाउंट आएगा 42,000 और 28,000, इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो आपको बेसिकली यही एंट्री करनी है। एंट्री का क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:2, क्रेडिट बैलेंस का पीएनएल का 70,000, हटाने के लिए क्या करें डेबिट, हमने 70,000 को डेबिट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हो गया। एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। रफ कर देते हैं क्वेश्चन, अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ए बी सी पार्ट करते लिखिए, ए बी सी पार्ट करते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3। अब फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2016, फर्स्ट अप्रैल 2016 से उन्होंने प्रॉफिट 2:3:4 पे करा, तो आगे का है, आगे से आपको कोई भी मतलब नहीं है। आगे दे रखा है पीएनएल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को कितना दे रखा है आपको, 90,000। फिर बच्चों को फोकस करो, डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने क्या करा, टू पी एंड एल हमने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको करेंगे, ए। बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल, हमने क्रेडिट क्या करा पीएनएल को, और डेबिट किसको कर दिया ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। अमाउंट कैसे लिखा, पीएनएल का बैलेंस कितना है 90,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अमाउंट आएगा आपका 15,000, 30,000 और 45,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीनों तरीके से हमने दोनों की एंटर की, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों की एंट्री करके दिखा दी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप रफ कर देते हैं।
अब में भी दो सिचुएशन आती है, फीडबैक ऑफ रिजल्ट में भी दो सिचुएशन आती है। कौन कौन सी दो सिचुएशन थी? एक तो तब जब हमें इनके बैलेंस हो, व्हेन बैलेंस इज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल। जब हमें इनके बैलेंस को कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? उनकी कैपिटल में। और दूसरी सिचुएशन आती है जब हमें, इसके अलग अलग थिंग्स हैं, देख लीजिए, जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, एंट्री सेकेंड सिंगल एंट्री, नंबर थर्ड डू वॉन्ट टू डिस्टर्ब स्लैश डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। अगर ये सारे तीन वर्ड्स आपको तीन तरीके की हिंट मिल जाती है तो हमें अलग, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये सिचुएशन थी, जो अभी हमने पढ़ी वो ये सिचुएशन थी जब हमें उनके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है, या फिर आप समझ लो नो इन्फॉर्मेशन। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मैंने कि इनके बैलेंस के साथ करना क्या है, तो हमने अभी ये दो सिचुएशन पढ़ी वो इन दोनों में लगती है कि आपको अगर उनके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करना हो, क्योंकि आपकी सारी एंट्री किससे करी थी, उनकी कैपिटल में करी थी, और उनके बैलेंस को रिटर्न ऑफ कर दिया, थर्ड तरीके से रिटर्न ऑफ। अगर हमें रिटर्न ऑफ करना हो, ये तीन सिचुएशन के लिए अभी हमने एंट्रीज पढ़ी थी, अब जो एंट्रीज पढ़ेंगे वो इन तीन सिचुएशन के लिए पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट की एंट्री करनी हो इन रिजर्व की, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की, या सिंगल एंट्री पास करनी हो, या हमें उनके बैलेंस को कोई भी डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अब पढ़ते हैं। तो इसके लिए जब भी हमें एंट्री पास करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आप बच्चों कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें उनके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, या सिंगल एंट्री पास करनी है, या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमें नेट बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। नेट बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास दो क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपके पास दो क्रेडिट बैलेंस है, तो हम उनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो हम उनको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों सिचुएशन में रिजल्ट क्या निकलेगा? इस सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो आएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि यहां पे क्रेडिट है, और यहां पर आएगा बिगर अमाउंट। यानी कि अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट आएगा, और क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट आएगा। तीसरी सिचुएशन आती है जब दोनों ही डेबिट बैलेंस है, तो हमारा डेबिट बैलेंस आता है। तो ये चीजें हमें ये कब कर रहे हैं? जब हमारे पास तीन चीजें रखी, एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री सेकेंड सिंगल एंट्री, या फिर नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। अगर ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम इस तरीके से सबसे पहले इसका नेट बैलेंस कैलकुलेट करो। नेट बैलेंस इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस अगर दोनों क्रेडिट है तो ऐड कर दो, अगर ये नेट बैलेंस आपका हो सकता है क्रेडिट, या नेट बैलेंस हो सकता है डेबिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर ये आपका डेबिट बैलेंस आता है तो आप इसे एंट्री को रिवर्स कर देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने, इसी तरीके से अगर आप सबसे पहले क्या करोगे नेट बैलेंस निकालोगे तब, जब आपको ये तीन चीजें दे रखी हो, सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री है, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, सबसे पहले नेट बैलेंस निकालेंगे एडजस्ट करके, क्योंकि बहुत सारे बैलेंस दे रखे होते हैं तो देखना पड़ेगा कि डेबिट बैलेंस है क्या, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड कर दें और डेबिट बैलेंस है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर हम बिगर अमाउंट देखते हैं। फिर इसके बाद इस नेट बैलेंस को हम देखेंगे डेबिट है या क्रेडिट है, अगर डेबिट बैलेंस है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, और क्रेडिट बैलेंस है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीखा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे